युद्ध की आकांक्षा हमारी नहीं है, हमला करने के लिए वो तैयार होकर आए हैं ब्रिटिश। राज्य के रक्षण के लिए हम तैयार खड़े हैं, ये हमारा फर्ज है। युद्ध की पहल उनकी तरफ से पहले हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, और कोई कारण नहीं है। रानी साहिबा, ऑलरेडी 24 मिनट आर ओवर, वी कांट वेट, गेट रेडी। कैप्टन ब्लैक। यस सर। फायर। माँ, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरु सिद्धप्पा जी, युद्ध की तुरई बचाने के लिए कहिए, हर तरफ से हमला हो, किले के द्वार खोल दिए जाए, शूरवीरों की तरह युद्ध करना होगा, कि तुर्कों गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Hey!
अरे कुलकर्णी, सुना तुमने अपने संगोली के लोगों को रैयन्ना के प्रति कितना अभिमान है, कितना स्नेह है। उसने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अगर बेटा हो तो रैयन्ना के जैसा हो। अरे बस भी करो भाई, मरने की उम्र में भी अक्ल नहीं आई, किसकी तारीफ करें किसकी नहीं, इतनी भी अक्ल नहीं। अरे कुलकर्णी, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करना गलत है, करेंगे तो घर बार जल जाएगा। रैयन्ना सूरवीर है। उसकी वीरता का मैं क्या करूंगा, मेरी तरह क्या वो लिख सकता है या पढ़ सकता है? पढ़ नहीं सकता तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा जमीन है उसके पास, लहराते हुए खेत है, उपजाऊ जमीन है। अगीरा! इतना ही नहीं, वीरता उसके सर चढ़ के बोलती है कुलकर्णी, अहंकार है उसके पास। उसका अहंकार तो मैं उतारूंगा। सुनिए जी, आपने एक दिन एक बात कही थी, अपने घर में दो बेटे होने चाहिए, एक तो घर संभालने के लिए और दूसरा मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। कहा था ना आपने, इस बात को मेरे राया ने सच कर दिखाया, सच कर दिखाया। इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे कि खा जाओगे? खाने के लिए तुम कोई सब्जी थोड़ी हो, लाल मिर्च हो। तुम्हें पता नहीं है मिर्च के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता? इसीलिए तो कोई भी मिर्च की भाजी नहीं बनाता। वो मुझे भी पता है, एक बात बता दूं, लेकिन मैं कोई मिर्च नहीं हूँ। खाने में अचार हूँ, स्वाद के लिए नींबू हूँ, दिखने में टमाटर हो, सताने में करेला, मनाने के लिए गोभी का फूल, रूठने के लिए खट्टी इमली, खड़ी रहो तो लौकी, बैठ जाओ तो कद्दू, उठ गई तो गाजर, बैठ गई तो भिंडी हो। उतना ही नहीं जी, शादी करने वाले पति के लिए ठंडा खीरा हूँ और सताने वाले गुंडे के लिए तीखी कटारी हूँ। अब एक काम कर, अपनी सब्जी मंडी बंद कर। जब भी आता हूँ इधर उधर की बातें करके वक्त जाया क्यों करती है मेरी कच्ची केरी? उइमा उइमा उइमा, कितना प्यारा बात करता है मेरा राजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी तुम्ही से होगी। इतनी जोर से मत बोल, पूरे गांव में अफवाह फैल जाएगी। मेरे सरदार, अगर मैं एक दिन भी तुम्हारी पत्नी के रूप में जी लूं, तो वो मेरे लिए 7 जन्मों के बराबर होगा। मल्ली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मल्ली, 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 क्या हुआ, दिन में सपना देख रही हो क्या? मेरे सपने में राया आया था। आपका हमारे धरवाड़ में कलेक्टर बनकर आना बहुत अच्छा लगा हमको। हमको भी तुम लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। गुड, वेरी गुड, पर तुम लोगों का ये बड़ी खिचू उसने हमारी कंपनी का ब्लड बॉइल करके रखा है। सिर्फ आपका ब्लड ही नहीं साहब, हमारा भी खून बॉइल हो रहा है। सही कहना वेंकटराव? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। बिना राजा का तुम लोगों का ये खिचू हमारे पास में होना चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा ये तुम लोग ही बताओगे। लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा सर? खिचू देश का राज्य भार तुम्हें मिलेगा। क्या राज्य भार? नो नो, डाउट बिल्कुल मत करो। ये चापलिन हमेशा ही सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। देवा, अब मन को शांति मिल गई। वादा कीजिए। प्रॉमिस। आपने पिछले युद्ध में हमारे अधिकारियों को बंदी बनाकर अपनी आत्मरक्षा करके और कित्तूर की सुरक्षा कर रहे हैं। बिना कारण हम अपने लोगों का खून बहाना नहीं चाहते।
आप हमारे बंधित अधिकारियों और सैनिकों को रिहा कर दीजिए वरना। बस करो महामंत्री जी। चलो चलो चलो। युद्ध में बंदी अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों को सामने रखकर आत्मरक्षण और कित्तूर का संरक्षण करने के लिए हम कन्नड़िगा कोई कायर नहीं है, रण योद्धा हैं हम। महारानी जी चुपचाप शांति कर लीजिए। सेनापति जी, तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं कित्तूर के वीर। कित्तूर दोस्ती निभाता है तो युद्ध के लिए भी सिद्ध है। जाकर कलेक्टर को बताइए, जाइए, चले जाइए। ओके। बहन जी, बहन जी, नमस्कार। क्या हुआ है कित्तूर के इतने बड़े अधिकारी और पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं? आइए आइए। क्या करूं बहन जी, सामने से आने की हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारे बेटे से डरता हूँ। डरते हैं क्या? आपके डरने का मतलब है आपने कुछ गलत किया होगा। करें या ना करें, कित्तूर की प्रजा को तो हम हमेशा गलत ही नजर आते हैं। वो छोड़ो, तुम्हारे फायदे की एक बात बोलने आया हूँ। तो बताइए क्या बात है। चैप्लेन साहब का भारी सेना को लेकर युद्ध करना तय है, इसलिए युद्ध में अपने बेटे को भेजना मत, उसकी जान को खतरा है। अरे तेरी अकल मिट्टी में मिल जाए, चेहरे पे मूछ रखकर लुगाइयों जैसी बातें करता है। अरे तेरी इन फालतू बातों से डरकर अपने बेटे रायन्ना को बुजदिल बनाकर अपने घर में बिठाऊं है? मैं तेरे जैसी देशद्रोही और कायर नहीं। शांत हो जाओ बहन जी, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? हाँ, जिसमें खाते हो उसी में छेद करने वाले तुम जैसों को मार कर जलाने का वक्त आया है और मैं शांत बैठ जाऊँ? तूने मुझे पागल समझा है क्या? शेर के साथ कुश्ती करके उसके सीने से दिल निकाल कर उसे मारने वाला महाबली भरमन्ना की पत्नी हूँ मैं, याद रखना। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, चैप्लेन साहब की बात मानोगी तो तेरे बेटे को अपने बेटे की तरह मानेंगे बहन। ए वानर कही के मेरे बेटे को सगे बेटा जैसा ही नहीं, सगे बाप की तरह मानने का वादा करेंगे, तभी भी मैं नहीं मानूंगी मेरा बेटा तेरे जैसे गद्दारों के खानदान में पैदा नहीं हुआ है। हाँ, तुम इन अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं जानती हो। तू एक और शब्द भी बोला ना तो मेरी ये जुबान नहीं बोलेगी, मेरा एक चाकू बोलेगा। हाँ।